तो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे। और देखिए अभी हम आए हैं कंप्लेन पे, और यहाँ पे हमारा एसी है, सिर्फ फ़ैन चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है। अभी देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हमने इसमें गेज भी लगा रखा है, देख सकते हो जो प्रेशर है वो कितना शो कर रहा है। तो प्रेशर अभी हमारा 200 शो कर रहा है, इसका मतलब यही है कि हमारा कंप्रेसर चालू नहीं है। और यहाँ पर अभी हम इसका पैनल खोलेंगे, फिर आपको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, कैसे चेक किया जाता है पूरा आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही मस्त वीडियो होने वाला है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसा कि ये पैनल अभी खुल चुका है, और आपको बताएंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे चेक किया जाता है, सब कुछ आपको बताएँगे, देखिए वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर पैनल खोल दिया है, और यहाँ पर अभी हम कंप्रेसर को टच कर रहे हैं, तो ये कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म है, देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, एसी को बंद करेंगे, पावर इसका बंद करके कंप्रेसर को ठंडा करेंगे, फिर चालू करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे क्या करते हैं और क्या कैसे चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाके सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम इसको कंप्रेसर को पानी डाल के देख रहे हो, अभी ठंडा कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है। और हम आपको बताएंगे कि कंप्रेसर गर्म क्यों होता है, वो भी चीज़ आपको जानना ज़रूरी होता है अगर आप इस फील्ड में हो। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों, आपके लिए है और आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि इतना धूप में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग कुछ सीखो, कुछ आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, आपको हर एक चीज़ बताऊँगा, और कैसे इसको फिक्स किया वो भी आपको बताऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे कंप्रेसर को ठंडा कर लिया है अभी, और यहाँ पे मैंने देखो अभी हाई प्रेशर में भी लगा रखा है, लो प्रेशर में भी दोनों गेज लगा रखा है, और यहाँ पे मल्टीमीटर को हमने एम्पियर पे सेट कर दिया है, यानी हमारा तीनों सिस्टम रेडी है। और आपको भी इसी तरह से रखना है अगर कुछ भी कंप्रेसर से रिलेटिव कंप्लेन आता है। तो अभी हमारा ये तीनों चीज़ हो गया, अभी हम इसको थोड़ा चालू करेंगे थोड़ा, क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी गया है, थोड़ा सूखने के बाद इसको हम चालू करेंगे, और आपको हर एक चीज़ बताएंगे कि कैसे हमने इसको फाइंड किया इस प्रॉब्लम को। ठीक है दोस्तों, अर्थिंग वाला ही बना दिया है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, कंप्रेसर हाई एम्स लेके बंद हो गया, यानी जो हमारा कंप्रेसर है देख सकते हो ये हाई एम्स ले रहा है, तो हाई एम्स लेके बंद हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, कंप्रेसर को हम लोग चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसके जो फेस है ना वो चेक करेंगे। अभी हमारा जो फेस है वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर एक फेस भी ब्रेक रहेगा ना तो भी हमारा जो कंप्रेसर है हाई एम्स लेगा। तो यहाँ पे अभी हम इसका जो फेस है वो तीनों फेस चेक करेंगे बारी बारी से। तो मल्टीमीटर हमारे पास है ही है, और अभी हम इसको एसी बोल्ट पे लगा के और इसके फेस चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चेक करना है बहुत सेफ्टी के साथ चेक करना है, क्योंकि इसमें पावर रहता है, थ्री फेस का रहता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, बहुत सेफ्टी से काम करना है। तो जैसे कि देख सकते हो गेज में अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा है, और अभी मीटर में देख सकते हो बिल्कुल 00 है, यानी हमारा एक कंप्रेसर हाई एम्स लेके बंद हो गया। अभी वापस से हम इसको चेक करेंगे पावर सप्लाई इसका, कि हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो आउटपुट प्रॉपर दे रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमारा ऊपर कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, और अभी हम इसका आउटपुट चेक कर लेंगे, यानी तीनों फेस में पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए लास्ट तक। ताकि अभी देख सकते हो अभी हमने दो फेस को आपस में चेक किया ऊपर में, तो यहाँ पे 399 यानी 400 के करीब हमारा फेस शो कर रहा है। अभी हम चेंज करते हैं फेस को, तो यहाँ पे भी 395 यानी ये भी सही है, और अभी फिर से चेंज करते हैं, यानी 397 यानी ये भी हमारा सही है, यानी हमारा वोल्टेज जो है का आउटपुट दे रहा है, क्योंकि देख सकते हो ये जो वायर है डायरेक्ट हमारा सीधा कंप्रेसर के पास आया हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पे भी जो बॉक्स बना होता है ना टर्मिनल का, ये भी खोल के देखना है। तो अभी हम इसको भी खोलेंगे और आपको दिखाएँगे। तो अभी दोस्तों हम लोग इसको भी खोल लेते हैं, ये जो हमारा टर्मिनल बॉक्स है, तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये टर्मिनल के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वायर जला भी नहीं है, यानी हमारा कॉन्टैक्टर के आउटपुट से डायरेक्ट वायर हमारा यहाँ पे सीधा यहाँ आ गया, यानी जो भी प्रॉब्लम हमारा कंप्रेसर के अंदर है, यानी हमारा जो कंप्रेसर है वो ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है।
ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका मॉडल नंबर लेंगे, कंपनी में ऑर्डर करेंगे, नया लेके आएंगे, फिर लगाएंगे, और जब लगाएंगे आपको दिखाएंगे कैसे लगाया जाता है। तो मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ कंप्रेसर को कैसे चेक किया जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप आए हो एमजी टेक्निकल सपोर्ट के चैनल पर। तो दोस्तों आपको करना क्या होता है, जैसे कि हमारा ये 3 फेज का कंप्रेसर है और ये हाई एम्स ले रहा है, तो आपको करना क्या होता है, पहले वोल्टेज चेक कर लेना है। देखिए तीनों वोल्टेज को आपको पारी पारी चेक कर लेना है, बारी बारी से, यानी तीनों वोल्टेज जो है ना प्रॉपर आना चाहिए। अगर प्रॉपर नहीं आएगा तो आपका ये कंप्रेसर है 2 फेस में नहीं चलेगा, क्योंकि ये 3 फेस का कंप्रेसर है तो 3 फेस से ही चलेगा। तो 1 फेस नहीं आएगा, या 1 फेस कभी कम आएगा कभी ज़्यादा आएगा, तो भी आपका प्रॉब्लम होगा, कंप्रेसर हीटअप होएगा और बंद हो जाएगा और हाई एम्स लेगा, ठीक है दोस्तों। और कभी कभी क्या होता है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता है वो ख़राब हो जाता है, तो भी ऐसा होता है, यानी फेस हमारा रुक के आता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका मशीन में कैपिलरी या स्टेनर ब्लॉक हो जाता है, कंप्रेसर में हाई प्रेशर बनता है, फिर भी हमारा कंप्रेसर नहीं चलता है, थोड़ा टाइम चल के बंद हो जाता है, तो ये सारे रीज़न हैं। बाकी नीचे मैंने लिंक दे रखे हैं वीडियो के, बहुत सारे वीडियो के, आप जाके देखिए और इन्जॉय कीजिए और सीखिए और सेफ्टी से काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।